Next one, another example. Read this example. To check the given number is divisible by 5 or 7. Means, अगर number या तो 5 से divide हो रहा है या फिर 7 से divide हो रहा है, then display कराना yes, otherwise no. Divisible is same as multiple. Means, number is अगर चेक करना 5, number is multiple of 5 or not. तो इसके लिए condition क्या apply करो 5 को चेक करने के लिए? If number modulo by 5 gives remainder as 0. अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 फाउंड हो रहा है, नंबर कैसे हुआ? डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीपल ऑफ 5. सेम एज चेक किसके लिए करना है? 7 के लिए. टू चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट, देन कंडीशन क्या होने का इसके लिए? नंबर मॉड्यूलो 7 इक्वल 0. अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा देन नंबर किसके मल्टीपल होगा? 7 के. अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा देन नंबर किसके मल्टीपल है? 5 के. नेक्स्ट वन, देन फाइनली इस केस में टोटल कितने कंडीशन रिक्वायर्ड हो रहे हैं? 2 कंडीशंस प्लस 8, दोनों ही कंडीशन कंबाइंड किससे करना है? इस केस में पूछा गया नंबर 5 एंड 7 दोनों का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या? नहीं, ओनली आइदर 5 और 7 और बोथ, आइदर 5 और 7 और बोथ. तो इस केस में टोटल कितने कंडीशंस क्रिएट होंगे? देयर आर 2 कंडीशंस प्लस 8 कंबाइंड किससे करोगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स, एज वी डिस्कसिंग इन लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगर एक से ज्यादा कंडीशन सिंगल कंडीशन में कंबाइंड करना देन यूज क्या करें इस केस में? लॉजिकल ऑपरेटर्स. लेकिन इस केस में कंबाइंड किससे करें? दोनों ही कंडीशन नेसेसरी और एनी वन एट ए टाइम, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट इज ट्रू. तो इस केस में इसको कंबाइंड किससे करें? लॉजिकल और ऑपरेटर. दिस इज द फाइनल कंडीशन लाइक दैट. Printf display result by using %s. What is the condition? Condition is सबसे पहले 5 के लिए टेस्ट करेंगे number modulo by 5 equal 0. अगर number को 5 से divide करने पर remainder क्या मिलता है? 0. और number modulo by 7 equal 0. और इनमें से एक भी condition true है then number कैसा है? Then number is yes, नंबर इज मल्टीपल, अदरवाइज नो, नंबर इज नॉट मल्टीपल. दैट वन, क्लियर दिस एग्जाम्पल. सिमिलरली अगेन वी आर चेंजिंग दिस प्रोग्राम. टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 7. मीन्स इसके इसमें टेस्ट क्या करना है? टू चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 7. मीन्स 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए प्लस 7 का भी मल्टीपल होना कंपलसरी है. तो इस केस में दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए कंबाइंड किससे करेंगे? कंडीशन सेम होंगे लेकिन इस बार और के प्लेस पर यूज क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन. चेक दिस एग्जाम्पल. सम नंबर इज 15, सपोज दैट नंबर इज 15, वी आर टेस्टिंग डिफरेंट इनपुट्स. If number is 15, put this number in that expressions. 15 modulo by 5 equal 0. And के केस में डिस्कस किया था, अगर एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन ओनली सेकेंड कंडीशन टेस्ट हुआ. तो 15 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. 0 equal 0, कंडीशन इज ट्रू. इस फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन चेक क्या करें? इट्स सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन के केस में अगेन पुट करेंगे नंबर के प्लेस पर वैल्यू ऑफ नंबर एज 15. 15 मॉड्यूलो बाय 7 इक्वल 0. व्हाट इज द रिमाइंडर? अगर 15 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में? 1. 1 इक्वल 0, कंडीशन बिकम्स फॉल्स. मीन्स एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन कैसा? ट्रू. लेकिन सेकेंड कंडीशन कैसा? फॉल्स. देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स. अगर ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स है देन फाइनली ये लॉजिकल कंडीशन कंसिडर हुआ फॉल्स. देयरफॉर मैसेज कौन सा प्रिंट हुआ इस केस में? नो, बिकॉज 15 5 का तो मल्टीपल है लेकिन 7 का मल्टीपल नहीं. वी आर टेस्टिंग अनदर एग्जाम्पल लाइक अ 21. इफ वैल्यू ऑफ नंबर इज 21, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे देन इस केस में रिमाइंडर क्या फाउंड होगा? रिमाइंडर इज 1 इक्वल 0. फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है, सेकंड टेस्ट ही नहीं हुआ, प्लस इसका ओवरऑल कंडीशन क्या है? ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स. फॉल्स मीन्स अगेन नो. ये टेस्टिंग अनदर एग्जांपल लाइक अ 70 और 35. 70 के केस में बात कर रहे हैं,
75 से भी डिवाइड होता है प्लस 7 से भी डिवाइड होता है। 70 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 70 मॉड्यूलो बाय 5 इक्वल 0, रिमाइंडर क्या आएगा इसके, इसमें रिमाइंडर इज 0 बिकॉज ये डिवाइड कितनी बार हुआ टोटली 14 टाइम्स, इक्वल 0 कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू इसलिए टेस्ट क्या करेंगे, इट्स सेकेंड कंडीशन नंबर इज 70, 70 डिवाइड बाय 7 इक्वल 0, डिवीजन क्या आएगा इस केस में 17, ठीक है रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में 10, रिमाइंडर इज 10 सॉरी 0, रिमाइंडर 0 देन 0 इक्वल 0 कंडीशन ट्रू, दोनों ही कंडीशन कैसे हैं ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ओवरऑल रिजल्ट इज आल्सो ट्रू, ट्रू है तो इस केस में फाइनली रिटर्न क्या हुआ यस, देयरफॉर आउटपुट इज यस, क्लियर।